दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि बैंगन के प्लांट में अगर फूल बन के गिर रहे हैं या फूल नहीं भी आ रहे हैं तो आपको तीन ट्रिक जरूर फॉलो करना चाहिए। तो चलते हैं आपके ट्रिक के पास। तो पहली ट्रिक ये है कि इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद पहले तो इसकी मिट्टी को आप चेक करेंगे कि मिट्टी में नमी है। अगर नमी है तो बिल्कुल पानी मत ऐड करिएगा और इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप यह है कि आप इसे गोबर की खाद दे सकते हैं, जो अब मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले चलते हैं इसी गोबर की खाद हम देखते हैं, और मैंने इसकी गोबर की खाद तैयार कर रखी है। तो इसमें हम गोबर की खाद देंगे, क्योंकि हमारे प्लांट्स को गोबर से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसी खाद होती है जो हमारे हर प्लांट की ज़रूरत होती है। इसमें ये नहीं सोचना पड़ता कि किसको कौन से प्लांट में डालें, इसको तुरंत सारे प्लांट में डाल सकते हैं जो हमारे प्लांट को भरपूर मात्रा में दे। देखिए इसकी फ्लावरिंग बन के टूट गई थी, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो फ्लावरिंग है इसको मैंने टैप कर दिया पीछे से। टैप करने से ये होता है कि जो फ्लावरिंग कच्चे होते हैं वो बिल्कुल गिर जाते हैं, और जो थोड़े हार्डली होते हैं उसमें फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हम इसे पिंच करते हैं तो ये पॉलिनेशन से भी प्लांट के जो फूल होते हैं वो बिल्कुल टिक जाते, कि वो ऐसे स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए हमारे प्लांट में कितने सारे बैगन आए हैं, और हमने यही सब ट्रिक फॉलो किया है। तो आप भी ज़रूर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।